अक्सर देखिया जाता है कि बहुत सारे लोग नहर जो कोई समान या फिर समगरी प्रवाहित कर जाते हैं पर समगरी के नाल ही नहर प्लास्टिक के लिफाफे भी सुट देंगे ने जा फिर नहर किनारे लगिया ग्रीला ते बन जाते हैं। मेलिया या होर त्योहारा ते नहर इशनान कर आए लोग कई बार अपने पुराने कपड़े भी नहर किनारे सुट देंगे ने इस नाल नहर किनारे गंदगी वधदी है। नाल ही यह समा नहर रहने वाली मछियां आते जीव जंतुओं लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। हुण भोले की फौज करेगी मौज नामक संस्था नाल जुड़े नौजवानों ने एक नवीकली पहल की है। उन्होंने अज नहर किनारे ग्रीला ते बन्ने अते आले दुआले बिखरे कपड़े अते प्लास्टिक दे लिफाफे इकट्ठे करके ढेर लगा के साड़ दिते। संस्था के आगू अजय सूरी ने दसिया कि भोले की फौज करेगी मौज नाल अपर बारी दुआब नहर तिबड़ी ते आस पास के पिंडां दे नौजवान जुड़े हैं। वह अक्सर वेखते हैं कि लोग नहर किनारे अते नहर दे विच लिफाफे अते कपड़े सुट जाते हैं जिस कारण नहर किनारे अते नहरां विच गंदगी तो फैलती ही है नाल ही पानी विच रहने वाली मछलियां अते होर जीव जंतुओं नूं भी खतरा पैदा हुंदा है। उन्हां दस्सिया कि संस्था नाल जुड़े नौजवानों वालों अज नहर किनारे पिया सारा समान इकट्ठा करके साड़ दिता गया अते उन्हां वालों यह मुहिम लगातार जारी रखने का भी फैसला किया गया। धारीवाल तो राजेश पंडित की रिपोर्ट। भोले की फौज करेगी मौज कमेटी के वालों अज एक नवा उपराला किया गया जिस दे विच पुल तिबड़ी के उपर जो लोगों ने समगरी अपनी घर की हवन समगरी पूजा समगरी जिड़ी कि नहर में सुटन आते हैं पर जल प्रवाहन कर आते हैं उन्होंने लिफाफे जिन्हें भी डिवाइडर ना बांध देंगे या रस्ते दे विच जिन्हें भी लिफाफे इतने खिलार देंगे। मैं सारे निवेदन करना चाहना गुरदासपुर निवासी शहर निवासी अपने लागे चागे के पिंड बेनती करना चाहना कि जो भी है जल समगरी पानी के सुटो प्रवाह करो और जिन्ना भी बाकी समान असी कल तो उपराला कर रहे हैं कि इतने एक ड्रम लगाए जाएंगे एक बकायदा तुहानू दसण लई बोर्ड लगाए जाएंगे भोले की फौज करेगी मौज कमेटी में उस ड्रम के सुटो जबकि साडा वातावरण दूषित ना हो। जय भोले। एवन हैंडीक्राफ्ट मेटल वर्ल्ड की दुनिया में आपका स्वागत है। किसी भी तरह की इमारत बनाने के बाद चिंता होती है कि उसे सजाने की, तो इस चिंता को भूलकर सजाइए अपने सपनों का घर, ऑफिस, होटल, रिसॉर्ट या फिर अपने कारोबारी बिल्डिंग को। फिर चाहे वे वास्तु के हिसाब से हो या फिर आधुनिक शैली के हिसाब से, हर तरह की वैरायटी मिलेगी आपको केवल एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट में। द मेटल डेकोर वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट स्टॉक कीपिंग यूनिट ऑफ मेटल डेकोर इन द रीजन। एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट है मैन्युफैक्चरर्स, कस्टमाइजर्स, इनोवेटर्स, थोक सप्लायर्स एंड होलसेलर। एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट की सबसे बड़ी खासियत है कि इनके द्वारा बनाया गया हर प्रोडक्ट जंग रहित प्रोडक्ट है। जी हाँ, रस्ट फ्री। एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट के पास वॉल आर्ट, वर्सेस एंड प्लांटर्स, मिरर एंड क्लॉक्स, फोर फ्लोर एंड टेबल लैम्प, कंसोल्स एंड नेस्टिंग टेबल्स, फिंगरिंग्स एंड स्टैचू एंड मच मोर। एवन हैंडीक्राफ्ट्स वी अंडरटेक इंटीरियर मेटल डेकर प्रोजेक्ट्स। ये सब मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए भी थोक और प्रचून की सेवा उपलब्ध है। इन दिनों मिलेगा आपको स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर आइए और मौका दीजिए एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट को आपके सपनों की दुनिया को सजाने का। एवन हैंडीक्राफ्ट स्ट्रीट एडजॉइनिंग एवन केक्स एंड पेक्स, नज़दीक पीर बाबा चौक, ढांगू रोड, पठानकोट। आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं 9417604147 या फिर 9780546468।